एक सरकारी स्कूल के मास्टर को बीएसए ने निलंबित करने का आदेश थमाया तो स्कूल के बच्चों और अभिभावकों में उबाल आ गया। शिक्षक निलंबन का आदेश मिलने की जानकारी स्कूल में देकर चला गया, लेकिन उसके बाद दूसरे दिन अपने चहेते अध्यापक को वापस बुलाने के लिए मासूम बच्चों ने और उनके अभिभावकों ने स्कूल में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। नारेबाजी करते हुए बच्चों ने रो रोकर अपने शिक्षक को स्कूल में वापस बुलाने की मांग की। बच्चों ने अधिकारियों को अल्टीमेटम तक दे दिया कि अगर उनके शिक्षक को नहीं बुलाया गया तो वे भी स्कूल छोड़ देंगे। नारा क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि मेरे और देश कुमार झा सर निकल गए हैं। निकल गए हैं या निकाल दिए गए हैं? निकाल दिए गए हैं। अच्छा, तो क्या उनके अंदर खासियत थी जो आप लोग यहाँ पर आकर के जो है नारेबाजी कर रहे हैं? उनके अंदर एक खासियत थी ताकि वो बच्चों को पढ़ाते थे, अपने घर और परिवार से हमको लोगों को ज़्यादा भी मानते थे, सब कुछ बात थी। हम छोटे से बड़े तक सबका अपने दिल से मानते थे। घरे जो उनके जो कोई तबीयत खराब हो जाती थी तो घरे भी नहीं जाते थे अपने स्कूल के छात्र छोड़ के। तो बताओ अब उनके अंदर क्या कमी है? दूसरा आएगा तो हम पढ़ने नहीं आएंगे। नहीं आओगी? अकेले नहीं आओगी तो और लोग आएंगे? सब नहीं आएंगे। सब नहीं आएंगे? क्या खासियत थी उनके अंदर? अच्छा पढ़ाते थे, अच्छा लिखाते थे, अच्छा खाना बनवाते थे और अपने बूते लेटरिन साफ करते थे। सबकी तबीयत खराब हो जाती है उनको दवाई देते थे। दरअसल बनारस के निवासी एक अध्यापक जिनकी पोस्टिंग बहराइच के एक प्राथमिक विद्यालय में है, उस अध्यापक के निलंबन के बाद ग्रामीण अपने मासूम बच्चों के साथ स्कूल में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस अनोखे धरना प्रदर्शन को देखकर कुछ लोग हैरान हैं कि उस शिक्षक में पता नहीं ऐसी कौन सी शक्ति है कि उस पर हुई कार्रवाई के बाद भी उसके जाने से पूरा गाँव दुखी है। मामला हमारे मास्टर साहब को वापस कर दे, वापस करने के लिए कि वो वापस लौट आए। क्या हुआ है उनके साथ? उनके साथ उनका बदलाव हो गया है, सस्पेंड हो गए हैं। जैसे दोपहर में परसों रोज फोन आया उनका बहराइच से, वो बोले बच्चों को खाना खिलाइए, हम बहराइच जा रहे हैं। फिर कोई उनकी गलती भी नहीं थी, मालूम भी नहीं पड़ा कि किस लिए आखिर उनकी क्या गलती क्या वजह है तो उनको हटाया जा रहा है। ये तो बताइए कि क्या गलती है, क्या स्कूल में कमी हो गई है? तो अब आप लोगों ने क्या फैसला किया है? हम लोग चाहते हैं कि हमारे मास्टर साहब वापस आए। अगर नहीं आए तो? यदि नहीं आए तो बच्चे नहीं आएंगे, हम लोग भी नहीं आएंगे, स्कूल बंद हो जाएगा। फिर हम आगे जाएंगे, बेस्सी जाएंगे, बेस्सी से फिर डीएम के पास जाएंगे। बच्चों पर दिलो जान न्योछावर करने वाले अध्यापक पर हुई कार्रवाई के बाद बच्चे और अभिभावक दोनों ही काफी नाराज हैं। पूरे गाँव में उदासी छाई हुई है। दूसरे दिन स्कूल ड्रेस में बच्चे स्कूल तो पहुँचे लेकिन बिना बैग के, और देखते देखते स्कूल में अभिभावकों की भी भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। स्कूल के लॉन में बच्चों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्कूल में हुए इस प्रदर्शन की जानकारी आग की तरह काफी दूर तक फैल गई। कुछ स्थानीय मीडिया कर्मी भी इस अनोखे विरोध प्रदर्शन को देखने वहां पर पहुंचे। बहराइच से न्यूज के लिए महेश की रिपोर्ट।